हेलो गाइस, तो मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप अपना प्री वेडिंग शूट प्लान कर रहे हैं और आपको नंबर ऑफ अटायर्स कितने रखने चाहिए, 3 या मैक्सिमम 4 गाइस, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और कपल भी मैंने देखा है कि वो कुछ हद तक टायर्ड हो जाता है, ऑफकोर्स गाइस, बिकॉज एक शूट करने में, एक लुक को कवर करने में अगर आप वीडियो भी बना रहे हैं, फोटोज़ भी क्लिक कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है फोटोग्राफर के साथ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं कभी कभी, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, लाइक सॉरी आई डजेंट मीन लाइक आई मीन टू से दैट कपल्स हु आर डूइंग देयर प्री वेडिंग शूट, दे आर नॉट अ प्रोफेशनल मॉडल, राइट? सो यू गाइज आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट टेक्स टाइम, तो बहुत टाइम लगता है जब आप प्री वेडिंग शूट कर रहे होते हैं। तो आपको प्री वेडिंग शूट करने से पहले, या फिर मैं कपल्स को एक टिप दे सकती हूँ कि ज़रूर आप एक्सप्लोर करके आइए, इंटरनेट को एक्सप्लोर करके आइए, बट वही सबका कहना होता है कि यार हमारी वेडिंग है, हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा काम है कि अब ये सब नहीं हो सकता है। तो मैं उस फैक्टर को भी कंसिडर करते हुए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सकता है कंफर्टेबल रहिए, क्योंकि जितना कंफर्टेबल रहेंगे उतना ही कैमरे के सामने वो अच्छा दिखेगा। एक यू नो, कई बार क्या होता है कि अरेंज मैरिज के केसेस होते हैं, कई बार लव मैरिज के केसेस भी होते हैं, बट स्टिल कपल्स जो होते हैं वो उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं टू एन एक्सटेंट, आई हैव सीन दैट। तो इट्स नॉट अबाउट लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो कैमरे के आगे कितने कंफर्टेबल हैं, ये कैमरा शाये हैं या क्या है। गाइज मैंने देखा है लोग कैमरे के साथ, जैसे कैमरा ऑन होता है दे आर डिफरेंट, और जैसे कैमरा बंद होता है दे आर डिफरेंट। सो इसलिए आपको कैमरा शाये नहीं होना है, ट्राई टू बी कम्फर्टेबल, एज मच एज कम्फर्टेबल। डोंट थिंक कि फोटोग्राफर है, मेकअप आर्टिस्ट है या बाहर के लोग हमें देख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एट द एंड आपकी मेमोरीज रहने वाली हैं, तो आपको एक बेस्ट आउटकम बनाना है।